हेलो एवरीवन आज का वीडियो हम लोग बना रहे हैं जेई के छह पेपर्स जो हुए हैं उनके फिजिक्स के पेपर्स का एनालिसिस करने के लिए सो लेट मी फर्स्ट इंट्रोड्यूस माई सेल्फ माई सेल्फ कुमार सौरभ बेसिकली आई एम फिजिक्स फैकल्टी इन अवंती लर्निंग सेंटर आई एम बी टेक फ्रॉम बीटेक मैकेल इंजीनियरिंग फ्रॉम एन पटना आई स्टार्ट ऑफ माई जर्नी इन संकल्प शिक्षा घर घर शिक्षा की एंड देन ज्वाइंट अवंती एंड करेंटली वर्किंग सिंस पास थ्री ईयर इन अवंती लर्निंग सेंटर एंड आई जस्ट बिलीव फ्यूचर is, is आज अच्छा करेंगे तो ही अपना को रिजल्ट अच्छा मिलेगा सीधा फंडा है अपना तो लेट स्टार्ट आर सेशन तो देखते हैं हम लोग हम लोग मैंने क्या किया है कि इस पूरे वीडियो में आपको हमने पूरे इलेवेंथ के सिलेबस को सेवन यूनिट्स में और ट्वेल्थ के सिलेबस को भी सेवन यूनिट्स में डिवाइड कर दिया है इसमें बहुत क्लियर है हमने मैकेनिक्स को दो पार्ट में डिवाइड किया है मैकेनिक्स का एक पार्ट जो है वो मोशन से लेकर के फोर्स एंड लॉज ऑफ फ्रिक्शन फोर्स एंड फ्रिक्शन तक गया है दूसरा पार्ट जो है वो वर्क एनर्जी पावर रोटेशनल मोशन सेंटर ऑफ मास को कवर करता है ठीक है फिर ग्रेविटेशन है हमारा प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल कवर करता है सॉलिड और फ्लुइड को हीट एंड कवर करता है हीट एंड एंड वेव्स कवर एस एच एम स्ट्रिंग साउंड वेव्स ठीक है अगर मैं इसी तरीके से ट्वेल्थ की बात करूं ट्वेल्थ में यूनिट्स का डिस्ट्रीब्यूशन बिल्कुल क्लियर है इलेक्ट्रोस्टेटिक्स करेंट मैग्नेटिज्म ई फोर यूनिट्स इन फर्स्ट बुक सेकेंड बुक ऑप्टिक्स मॉडर्न सेमी कंडक्टर्स क्लियर है इस वीडियो में हम पूरा एनालिसिस जो करेंगे इन्हीं फोर्टीन यूनिट्स में डिवीज़न करेंगे और अपन इसी चौदह यूनिट्स को देखेंगे किस क्वेश्चन किसका लेवल कैसा रहा इस बार जेई के जेओ पेपर्स में ठीक है तो लेट स्टार्ट विथ पेपर वाइज डिस्ट्रीब्यूशन कि पेपर वाइज डिस्ट्रीब्यूशन कैसा था कितने क्वेश्चंस किस टॉपिक से आए किस टॉपिक ने ज्यादा हमें आउटपुट दिया is, किस टॉपिक से ज्यादा आए हैं इस बार वो हम लोग देखने की कोशिश करते हैं पहला है क्लास क्लास में अगर आप देखो तो कुल मिलाकर के लेकिन आप टोटल नंबर को अगर स्टार्ट करते हैं तो टोटल नंबर अगर आप देखो तो टोटल नंबर पंद्रह 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 तेरह सोलह सोलह एंड एवरेज नंबर ऑफ क्वेश्चंस इन क्लास इलेवन इज फिफ्टीन आउट ऑफ थर्टी यानी में से अपने आप अपने पंद्रह क्वेश्चन जो आए हैं हमारे वो सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट बुक से है इस टॉपिक से इलेवंथ ज्यादा आ गया ट्वेल्थ कम आ गया ट्वेल्थ ज्यादा आ गया इलेवंथ कम आ गया बट फैक्ट इज कि दोनों ऑलमोस्ट इक्वल आया है एंड दिस इज हाउ जेई पेपर इज मेड अब पूरे पेपर को एक बार ऊपर एक बार से अगर देखे हम लोग

ग्रेविटेशन बहुत छोटा टॉपिक है एज कम्पेयर टू मैकेनिक्स बट उसका जो लेवल था पर पेपर में वो भी ऑलमोस्ट 1.84 था सिंपल मैथमेटिक्स है की अगर हम बात करें, तो वन पॉइंट वन सिक्स विच इज वेरी लो प्रॉपर्टीज ऑफ मेटेर की बात करें तो वेटेज उसका काफी कम था ऑलमोस्ट वन क्वेश्चन पेपर मीन्स या तो सॉलिड से आया है या तो लिक्विड से आया है आगे बढ़े अगर हम लोग

तो हमारा हीट एंड थर्मोडाइनमिक्स एंड ऑक्सीन एंड वेव दोनों ने काफी मार्क्स कैरी किया इस बार एंड बाकी सबके डिस्ट्रीब्यूशन बिल्कुल एवरेज थे थोड़ा और अगर, अगर आगे बढ़ते हैं थोड़ा और अगर, अगर आगे बढ़ते हैं तो हम लोग देखते हैं क्लास ट्वेल्थ के पार्ट्स क्लास ट्वेल्थ के पार्ट्स को अगर देखोगे तो ट्वेल्थ मेट्स बिट सरप्राइजिंग बिकॉज आपके मन में कुछ टॉपिक्स बने हुए हैं कि एग्जाम में बहुत आता है जैसे करंट जैसे मैग्नेटिज्म, आप करंट और मैग्नेटिज्म को अगर देखते हो इट्स बिलो टू क्वेश्चन इन इन टू चैप्टर्स ये बहुत ही कम वेटेज आया है एंड इट इज प्रैक्टिकली ट्रू अगर एक पेपर में ये कम आता देन वी वुड हैव नॉट मेड एन कंक्लूजन बट छह पेपर्स में जब आया है तो इट गिव कंक्लूजन की हाउ जे एट द देपर्स दे क्लियर है आगे आते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एसी एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स

बट इट हैज गिवन 2.5 पॉइंट फाइव क्वेश्चन एंड पेपर फोर में ये पांच क्वेश्चन तक गया है एक पेपर में which is, which is which is, which is तो हम लोगों ने जो बात किया अभी हमने बात किया कि ईच पेपर में कैसे पेपर क्वेश्चन का डिस्ट्रीब्यूशन था क्वेश्चन का नंबर का डिस्ट्रीब्यूशन था अगर आप उसको देखें तो यू वुक्लूड की कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जो हमारे लिए बहुत ज्यादा नंबर है और हमें उनपे काफी फोकस करने की जरूरत है हम अगले जेई के एग्जाम के पहले अगर उनको भी ठीक कर लें देन वी वुड डू मच वेल इन जेई है थोड़ा आगे बढ़ते हैं हम लोग और थोड़ा अगर आगे बढ़े तो हमारा फोकस होगा अब आगे इजी वर्सेस मीडियम वर्सेस हार्ड ये प्रॉपर एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट है कि क्वेश्चन का टाइप कैसा था क्वेश्चन बहुत ज्यादा है कोई बात नहीं पर टाइप कैसा था क्वेश्चन का ठीक है तो पेपर वाइज एनालिसिस करेंगे पे, बाई पेपर बाय पेपर बाय पेपर तो अगर मैं सिंपल सी बात करूं इजी अगर मैं इजी की बात करूं इजी का मतलब होता है सीबीएसई एसी बेस्ड डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड कोई एक्स्ट्रा कॉन्सेप्ट या दिमाग नहीं लगाना है मीडियम का मतलब क्या होता है एप्लीकेशन ऑफ कॉन्सेप्ट्स तो है बट कैलकुलेशन नाक के बराबर है मतलब वो एक स्ट्रेट फॉरवर्ड है हार्ड Concepts का एप्लीकेशन है बट साथ साथ कैलकुलेशन भी है जो एक कॉन्सेप्ट बिल्डिंग में भी टाइम जाता है और कैलकुलेशन में भी टाइम जाता है तो इस लेवल को हमने हार्ड हार्ड्यूम किया है तो हमने पूरे पेपर को इजी मीडियम एंड हार्ड में कैटेगराइज किया है और एक एनालिसिस बनता है कि जेई का पैटर्न कैसा है और इससे आप एक एक सोच सकते हो कि पेपर का कट ऑफ कैसा जाएगा और आई वुड से परसेंटाइल कैसा जाएगा ठीक है तो लेट्स एनालाइज दिस लेट्स एनालाइज़ डिफिकल्टी वाइज पेपर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर वन से लेकर ट्वेंटी तक हमारे पास मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन थे अगर मैं उसकी एनालिसिस को अगर देखूं तो पेपर वन देखते हैं पहले पेपर वन में हमारे पास नाइन इजी क्वेश्चन आए थे टेन मीडियम क्वेश्चन आए थे हार्ड क्वेश्चन आया था यानी हमारे ओवरऑल पेपर का ट्वेंटी क्वेश्चन में से नाइन क्वेश्चन इजी था तो ये रेशियो e होता है इजी बाई टोटल नंबर का रेशियो विच इज पॉइंट फाइव ऑलमोस्ट फिफ्टी परसेंट विच इज वेरी गुड अगर अगर दस में से बीस में से नौ क्वेश्चन अपने को इजी मिल रहे हैं देन वी कांट एक्सपेक्ट मोर फ्रॉम सीबीएसई बट क्या ये यूनिफॉर्म था नहीं ये यूनिफॉर्म नहीं था अगर हम पेपर वन में देखते हैं तो ऐसे हमें नौ क्वेश्चंस मिले हैं बट पेपर टू में सिर्फ छे पेपर थ्री में सेवन रेस तो 20 में से छह तो क्वेश्चन से कम आया जो पहले एवरेज फोर टू फाइव हुआ करता था वो अभी सिक्स रहा है बट इट हैज गॉन बियॉन्ड नाइन एंड सेवन ऑल्सो ठीक है मीडियम क्वेश्चन जनरली जेई का लेवल ये होता है मीडियम क्वेश्चन का ठीक है लास्ट पार्ट इज हार्ड क्वेश्चन विच यू हैव टू एक्सेप्ट हार्ड एंड यू हैव टू सेव टाइम इन दोन इसका नंबर अगर पेपर फोर में देखें तो पेपर फोर में हार्ड का नंबर चार गया है हार्ड क्वेश्चन की मतलब कैटेगरी अगर आपको समझाओ ये ऐसा क्वेश्चन है जो आपको एक तरीके से अट्रैक्ट करता है टू सॉल्व बट वो एंड में इट कंज्यूम्स योर टाइम जनरली

पेपर थ्री में वी हैड जीरो इजी क्वेश्चंस इन इंटीजर टाइप, है paper, paper 1, we have got six easy 10. अपने को पांच करने हैं अगर छी मिल जाते हैं मतलब पेपर बहुत ही ईजी है इसका मतलब पेपर वन जो था वो हर लेवल से काफी ईजी था अकॉर्डिंग टू इंटीजियर टाइप क्वेश्चन और अकॉर्डिंग टू द मल्टीपल पेपर थ्री पेपर थ्री में हमें दिखती है कि उसका भले था, but उसका so अगर थोड़ा अगर देखें तो हार्ड क्वेश्चन का नंबर अगर आप गौर से देखो इंटीजियर टाइप में खासकर ये बहुत ही कम है विच विच से आप अपने अंदर एक मेंटल ब्लॉकेज लेके जाते हो कि इंटीजियर टाइप क्वेश्चन वुड बी टफ

ये आपसे इजिली कवर हो जाएगा या बन जाएगा अग्री विद मी लेट्स गो अहेड विद दिस ये इजी मीडियम एंड हार्ड की फाइट चलती रहेगी अपनी बट वट वी वॉन्ट टू से ये जो लेवल ऑफ डिफिकल्टी जो दिख रहा है आपको इजी बाई नंबर का रेशियो या आप देखो ये जीरो पॉइंट फाइव से ज्यादा है अगर न्यूमेरिकल्स में या या नंबर टाइप टाइप में से ज़्यादा यू कैन चूज़ चूज़ एंड एंड और अगर आगे बढ़ते हैं हम लोग तो आगे बढ़ने पे अपने को मिलता है अगेन थोड़ा सा वाइज एनालिसिस क्योंकि क्योंकि जेई का जो पेपर है वो वाइज एनालिसिस उसमें सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर हो जाता है और हमने अगेन उसी तरीके से हमने इजी मीडियम हार्ड में कैटेगराइज किया है एंड विच वुड गिव यू गिव अस द क्लियर व्यू कि आखिर ए हर एक यूनिट ने कैसे बिहेव किया है जे एग्जाम में और उसके अकॉर्डिंग हम अपने आप को प्रिपेयर कर सकते हैं ठीक है लेट्स सी तो पहले शुरू करते हैं यूनिट वन से अगर मैं एक यूनिट वन की बात करूं यानी वेक्टर्स कैलकुलस यूनिट्स यूनिट्स एंड डायमेंशन

ठीक है वेक्टर्स इस टू बी यानी बार हमारे यूनिट वन में वेक्टर्स को इंपॉर्टेंस दिया गया है वेक्टर्स से कम से कम दो से तीन क्वेश्चन आए आउट ऑफ दिस सेवन वन एट टू टेन टेन में से तीन क्वेश्चन यूनिट्स एंड डायमेंशन की बात करो अगेन यहां पे डायमेंशन को अगर लो डायमेंशन से डायमेंशन टॉपिक को अगर लो तो डायमेंशन में हर बार की तरह इस बार भी We had repetitive questions. हमारे पास रिपिटेटिव क्वेश्चन आए हैं रेपिटेटिव क्वेश्चन का मतलब एक ही क्वेश्चन दो तीन पेपर में रिपीट हो रहा है या वो पहले भी आ चुका है तो डायमेंशन का सिंपल सा फंडा है अगर आपने प्रीवियस ठीक से बना रखे हैं ऑपरेशन ऑफ डायमेंशन में बेस्ड क्वेश्चन मिल नहीं आए ये दो आए थर्ड पॉइंट एरर एर पे इस बार जो देखा गया है एरर का काउंट थोड़ा कम है बट हर बार एरर की एरर का इंपॉर्टेंस ज्यादा होता है इस बार कम है तो एक्सपेक्ट बेटर फ्रॉम एरर टॉपिक और एरर में जनरली टाइम पीरियड के फॉर्मूले पे एरर का क्वेश्चन पूछा गया है तो एरर के क्वेश्चन ऐसे नहीं थे जनरली अगर एरर के क्वेश्चन को देखो तो ये जो इजी कैटेगरी में इसको आप कंसीडर कर सकते हो एक भी क्वेश्चन

एक एक यूनिट की बात करते हैं यूनिट टू में सबसे बड़ी बात जो सर्कुलर मोशन सर्कुलर मोशन को इस बार वो ड्यू वेटेज मोशन अगला अपना आता है इक्वेशन ऑफ प्रेजेक्ट्री इक्वेशन ऑफ प्रेजेक्ट्री से भी अपने पास क्वेश्चंस आए हैं इस बार इक्वेशंस ऑफ ट्रेजेक्ट्री क्लियर है अगर आप इस पूरे सीट में देखो तो तेरह क्वेश्चन आए हैं तेरह में से मात्र दो क्वेश्चन टफ थे और अगर मैं बोलूं तो सिक्स आउट ऑफ थर्टीन क्वेश्चन सिंपली इजी सिंपली इजी क्वेश्चन छह में से और इतने इजी क्वेश्चंस कि आपको सीधा सीधा आपको इक्वेशन ऑफ प्रोजेक्ट्री के क्वेश्चन आए हैं डायरेक्ट प्रोजेक्टाइल के क्वेश्चन तो इस बार नहीं आए हैं बट इस बार हमारे पास क्वेश्चन यूनिफॉर्मली एक्सलेटेड मोशन सर्कुलर मोशन इन सब टॉपिक से काफी क्वेश्चंस आए हैं जो जनरली हमारा ठीक होता है और इसके लिए अपने को बहुत ज्यादा रिवीजन करने की जरूरत नहीं है बट इट से मैकेनिक्स जनरली हमें डिस्टर्ब करता है एग्जाम में तो वुड से कि ये मैकेनिक्स का फर्स्ट पार्ट जो है वो इस बार बैंकेबल पार्ट था जिसपे आप फोकस कर सकते हो खासकर आई जस्ट मिस डेट फ्रिक्शन

अगेन इट रिक्वायर्ड चीजों का स्टिल आई वु ओनली टू क्वेश्चन टू क्वेश्चन वे टफ और, तो uh, हाँ, और इसमें से मैं बोलूंगा तो आपको क्वेश्चन का जो मेजर टाइप था वो रोटेशनल मोशन से आया है और वर्क एनर्जी पावर सबसे सबसे ज्यादा क्वेश्चन वर्क एनर्जी पावर का फर्स्ट अगर मैं बोलूं एंड दूसरा अपना मोमेंट ऑफ एनर्जिया ना प्योर रोलिंग ज्यादा आया है हमारे पास ना अदर डाइन रोटेशनल मोशन के क्वेश्चन आपके ज्यादा नहीं कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर पे भी बेस्ट क्वेश्चन इस बार नहीं आया यानी मैं अगर इसमें बैंकेबल टॉपिक बोलूं तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया प्लस वर्क एनर्जी के क्वेश्चन कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे बेस्ड क्वेश्चन काफी आया है इस बार ठीक है आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा यूनिट थ्री हो गया अब अपने यूनिट फोर में बढ़ते हैं, हैं ग्रेविटेशन टॉपिक है। सिर्फ एक चैप्टर का एक यूनिट हमने बनाया बट इसका वेटेज अगर आप देखते हो तो कितने क्वेश्चंस अपने को average, दो क्वेश्चन अपने पास आए छ आठ दो दस और एक ग्यारह क्वेश्चन इन सिक्स ऑलमोस्ट टू क्वेश्चन और एक चैप्टर है तो ये ऑलमोस्ट पूरे है तो इस टॉपिक पे अगर मैं बोलू एफर्ट इज टू इफेक्टिवनेस देखो तो कम एफर्ट मिल में ज्यादा हाँ ये चैप्टर थोड़ा कैलकुलेशन डिमांड करता है बट इस बार कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ एक क्वेश्चन आया है कैलकुलेन बेस्ड क्वेश्चन और मोस्टली क्वेश्चन जो थे वो इजी और मीडियम की कैटेगरी में थे बट इसमें आपको इस बार ग्रेविटेशन में रोटेशनल मोशन को थोड़ा बहुत यूज करके इस टॉपिक को टफ बनाया गया है

अल्फा बीटा गामा पे बेस्ड क्वेश्चंस आए हैं आपको तो इसलिए हम कह सकते हैं कि ये टॉपिक एक तरीके से पोर्शन है और इसको आप इजिली यहाँ पे अचीव कर सकते हो बट ये इतना वेटेज नहीं है कि हम इस पर टाइम बहुत ज्यादा दे पाए अगर आप वेटेज के हिसाब से देखो तो वी गॉट ओनली सेवन क्वेश्चन इन सिक्स पेपर दो चैप्टर से मीन्स जनरल ट्रेंड से इस बार बहुत ही कम पेपर यहाँ पे आए हैं आगे बढ़ते हैं हम लोग लेट्स मूव हेड अगर थोड़ा आगे बढ़े तो हम लोग अपने हीट थर्मोडायनिक्स वाले पार्ट पे आते हैं हीट थर्मोडायनिक्स की जब आप बात करते हैं तो हीट के एंड थर्मोडायन की से सबसे ज्यादा प्रेफरेबल क्वेश्चन आए इस बार अगर मैं बोलूं तो इसमें से इस बार छह चार दस दिन तेरह दो पंद्रह तीन अट्ठारह क्वेश्चन आए से एटीन क्वेश्चन इस बार और ये सबसे बैंकेबल टॉपिक इस बार का हमारा रहा है अगर मैं बोलूं कि कुल मिला के इजी क्वेश्चन सिर्फ कितने आए हैं तो नो क्वेश्चन इसमें से क्लियर स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन थे इसमें आपको ना कैलकुलेशन करना है ना मेहनत करना है सीधे सीधे बनाना अगर आपने टॉपिक पढ़ रखा है तो विच इज रियली रियली गुड हीट एंड थर्मोडाइनमिक्स को अगर आप ठीक से करते हैं तो आपका बहुत बड़ा एडवांटेज आता है नॉट इन ओनली इन फिजिक्स बट इन केमिस्ट्री ऑल्सो आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट केमिस्ट्री बट फिजिक्स में अगर नौ क्वेश्चन स्ट्रेट फॉरवर्ड आते हैं देन इजी बेट अच्छा जो मीडियम क्वेश्चन आपके आए हैं four, three, seven. ये, seven जो है, ये इनको के थे. Process, तो आप इस टॉपिक में अगर, मैं, मैं अगर अपना एनालिसिस दू तो ये सोलह में अठारह में से सोलह क्वेश्चन ऐसे थे जो आप किसी भी दिन इवन इन बैड डे आप उसको सॉल्व कर सकते हो आई वुड से दिस चैप्टर वॉज रियली रियली इंपॉर्टेंट ठीक आगे बढ़ते हैं यूनिट सेवन अगेन अनदर सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक डेट इज सिंपल हार्मोनिक मोशन स्ट्रिंग वेव एंड साउंड यह डायरेक्ट मैं इस टॉपिक में डायरेक्ट क्वेश्चन की अगर बात करूं डायरेक्ट क्वेश्चन का मतलब कि सिंपल हार्मोनिक मोशन ओनली सिंपल हार्मोनिक मोशन नॉट इंक्लूडिंग अदर टॉपिक्स और अगर वेव्स में बात करूं तो कितना भी हो बट सिर्फ वे ऑप्टिक्स को हटा करके कर लू तो इसमें ऑन एवरेज तीन क्वेश्चन तो हर पेपर में कम से कम आए हैं और किसी किसी पेपर में चार भी आए ऑलमोस्ट तीन पेपर में चार क्वेश्चन आए ओनली पेपर वन वॉज अदरवाइज सारे पेपर में ठीक ठाक नंबर ऑफ क्वेश्चन आए हैं Which shows कि इस का कितना बड़ा इंपॉर्टेंस है अगर मैं बोलूं तो इस टॉपिक से हार्ड क्वेश्चन में उस लंबे थॉट को हम सोच नहीं पाते हैं that, तो अगर मैं सिंपल हारमोनिक मोशन की बात करूं स्ट्रिंग वेव की बात करूं साउंड वेव की बात करूं तो ये टॉपिक हर हाल में आपको कवर ही नहीं करना उसको अच्छे से कवर करना है बिकॉज इट गिव्स एटलीस्ट थ्री टू फोर क्वेश्चन ठीक है दैट्स दैट दैट वाज फॉर क्लास इलेवेंथ ये पूरे क्लास 11th के टॉपिक थे जिसमें आई वुड सिंपली से यूनिट सिक्स एंड यूनिट सेवन हीट वाला पार्ट और वेव्स वाला पार्ट ये दोनों पार्ट सबसे ज्यादा पूछा गया क्वेश्चन का पार्ट था ठीक है थोड़ा आते हैं अपने ट्वेल्थ के टॉपिक पे जिसपे कभी कभी

इसमें एचएसएम को लाकर के कुछ क्वेश्चंस को टफ बनाया गया है इसमें ठीक है लेट्स गो अहेड विथ करेंट इलेक्ट्रिसिटी आई वुड से दिस वाज द हाईली डिसअपॉइंटिंग टॉपिक इसमें से ऑन एवरेज सिर्फ और सिर्फ एक क्वेश्चन आया है विच जनरली हमेशा इससे एक से ज्यादा आते हैं आई आई वुड टेल यू अगले बार इससे ज्यादा क्वेश्चंस रहेंगे

कोई क्वेश्चन नहीं आया और खासकर इसलिए क्योंकि न्यूमेरिकल बेस्ड होने की वजह से इस बार यू वुड नॉट फाइंड अल क्वेश्चन इन न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन फ्रॉम दिस टॉपिक मात्र अपने पास चार क्वेश्चन आए हैं छ पेपर में Which really shows कि इस को कितना अंडरमाइन किया गया चेंज इन नेक्स्ट पेपर सो यू हैव टू रिमेंबर कि अगले बार यह ट्रेंड चेंज कर सकता है ठीक है लेट्स गो हेड आगे बढ़ते अपन अगर आगे बढ़ते हैं हम लोग तो अब आते हैं यूनिट इलेवन पे

अगर मैं स्टेडी स्टेट की बात करता हूं एंड जस्ट स्विच ऑन की बात करता हूं, तो एलसीआर सर्किट अपने आप बहुत ईजी हो जाता है आई वुड से ये टॉपिक इस बार अपना बहुत ईजी था ठीक है मैं इलेक्ट्रो मैं एलआर सर्किट की बात कर रहा था अभी

हर पेपर में ऑलमोस्ट थ्री टू फाइव क्वेश्चन क्या है अपने गुड really और इस टॉपिक को अगर हम ठीक से कवर कर लेन वी कैन अचीव मच मोर मार्क्स ये इजी टॉपिक है बैंकबल टॉपिक है कभी धोखा नहीं देगा सिंपल लाइमेन सीरीज बालमर सीरीज पे कम से कम चार से पांच क्वेश्चन आए हैं विच मेक्स देपर वेरी वेरी इजी आयोनाइन एनर्जी पे क्वेश्चन आए हैं डिब्रॉगली वेवलेंथ पे ऑलमोस्ट तीन से चार क्वेश्चन पे सिर्फ हैं, कि ये टॉपिक किसी भी हालत में अपने को कवर करना है 14, जो आप सबने छोड़ा था के पहले यह सोचा था कि कम पढ़ेंगे तो काम चल जाएगा बट सी पोजिशन आप इसके पोजिशन को देखिए ऑलमोस्ट थ्री टू फोर क्वेश्चन पेपर कैसे इस टॉपिक को हम इग्नोर कर सकते हैं सेमी कंडक्टर एंड कम्युनिकेशन सिस्टम का बहुत क्लियर फंडा था इस बार क्वेश्चन जो थे सिंपली पहला क्वेश्चन जो टाइप था वो था डायोड डायोड ट्रांजिस्टर एंड एट लास्ट एंड एट लास्ट गेट थ्योरी एंड कम्युनिकेशन सिस्टम में मॉड्यूलेशन दो घंटे अपने को लगेंगे अगर हम तीन से चार क्वेश्चन बिल्कुल हर हालत में बनाने लायक तैयार हो जाएंगे यू जस्ट हैव टू टू गिव हार्डली आवर्स अ डे एक दिन में आप दो से तीन घंटे दे दो ये टॉपिक यूनिट फोर्टीन आप कभी गलत नहीं करोगे ये किसी भी यूनिट का वन फोर्थ भी नहीं है इज इज द दस्ट टॉपिक तो इस टॉपिक को हम किसी भी हालत में इग्नोर नहीं कर सकते हैं।

तो आप उसके लिए पढ़ के अपने मार्क्स इंप्रूव नहीं, नहीं कर सकते यू well. आपको अपनी प्लानिंग अच्छे से करनी होगी so, देखते हैं। let's plan a way to succeed. ठीक है? मेरा मकसद यहाँ पे सिर्फ देना नहीं था उस का क्या कर सकते हैं वो भी दिखाना था आपको तो लेट्स सी दिस इज आवर फर्स्ट प्रायोरिटी लेवल ये अपना पहला प्रायोरिटी चार्ट है यूनिट सेवन यूनिट फोर्टीन यूनिट सिक्स प्लस यूनिट इलेवन एटलीस्ट जो कभी फेल नहीं होगा अगले पेपर में कितने भी वेरिएशन आए ये बारह क्वेश्चन तो श्योरली रहेंगे अगर किसी में एक कम होगा तो किसी दूसरे वाले में दो बढ़ जाएगा ट्वेल्व क्वेश्चन यहाँ से आपको श्योरली आएंगे इफ यू आर प्रिपेयर विद टॉपिक्स आप बारह क्वेश्चन के साथ प्रिपेयर बारह इजी क्वेश्चन इन बारह क्वेश्चन में यू कैन इजली सोल्व टेन इन अ डे लेकिन आप अगर इन चारों को प्रायोरिटी फोकस देते हो और अपने इस बारह क्वेश्चन को इंश्योर करने की कोशिश करो दिस शुड बी फर्स्ट प्रायोरिटी टू तो स्टार्ट विद एम आई क्लियर टू ऑल ऑफ यू लेट्स गो एड आगे बढ़ते हैं कि अगर इन चारों को आप ठीक से कवर कर ले तो अब सेकेंड क्या हो सकता है अपना हमने इसमें आपको दो इलेवंथ के यूनिट्स लिए दो ट्वेल्थ के यूनिट्स लिए

ये सेकेंड प्रायोरिटी लिस्ट का भी टॉप चार्ट है ये यूनिट थर्टीन देन यूनिट नाइन इलेक्ट्रोस्टेटिक्स आई नो इट इट अ वास्ट टॉपिक बट ये भी अपने को दो से तीन क्वेश्चन श्योर शोर्ट देगा ग्रेविटेशन सिंगल चैप्टर का यूनिट है दो क्वेश्चन देगा विच इज वेरी गुड रे ऑप्टिक्स एंड वेव ऑप्टिक्स लास्ट टाइम क्योंकि रे ऑप्टिक्स और वेव ऑप्टिक्स के क्वेश्चन बहुत ही इजी आए हैं जस्ट टू हैव टू क्लियर दैट रिजॉल्विंग पावर वाला पार्ट आपको रिजॉल्विंग पावर वाला पार्ट क्लियर कर लो अगर वो आता है आपको तो उसका भी क्वेश्चन वन लाइनर होगा और ये पूरा टॉपिक इजी बन जाता है आपका तो दिस इज अ सेकंड प्रायोरिटी लिस्ट अब इसके अलावा जो टॉपिक बचे हैं कीप इट इन द थर्ड थर्ड में आप रखो ये टॉपिक आपको लगता है कि आपके अच्छे होने चाहिए होंगे भी आपके बट आई वु कि पहले आपको फर्स्ट और सेकेंड लेवल के आपके प्रिपरेशन हो जाने के बाद ही आप इन थर्ड पे करें सबसे बड़ी बात मैकेनिक्स डोंट मैकेनिक्स में आप बहुत ज्यादा रिविजन नहीं कर सकते हो मैकेनिक्स प्रॉपर प्रॉब्लम सॉल्विंग पे डिपेंडेंट है तो आप मैकेनिक्स पे ज्यादा टाइम देकर सिर्फ और सिर्फ अपना टाइम वेस्ट करोगे उससे बेटर उतना टाइम अगर किसी और टॉपिक पे दोगे तो यू वुड अचीव मच मच मोर

दिस इज हाउ यू हैव टू प्रीपेयर या यू शुड प्रिपेयर क्योंकि अपने को अगले जे के दिन में सिर्फ आठ से दस दिन बचे हैं एंड यू हैव टू इनक्रीज और एनहेंस यूर मार्क्स अगर अपने को मार्क्स इतने कम टाइम में एनहैंस करते हैं कान्ट गो बाई ओनली स्टडिंग हमें प्लानिंग भी करनी पड़ेगी सिर्फ स्टडिंग से सिर्फ पढ़ाई से इतने मार्क्स नहीं बढ़ेंगे यू हैव टू प्लान वेल या अपने को एग्जाम में कैसे चीजों को अटेम्प्ट करना है फ्रॉम माई साइड मेरे तरफ से इतना ही था क्स्ट डिस्कशन ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू फॉर यूर नेक्स्ट एग्जाम थैंक यू थैंक यू एंड हैव फन एट योर एग्जाम इंजॉय एंजॉय एंजॉयर एग्जाम्स बिकॉज यू हैव प्रिपेयर टू वेल आपने काफी मेहनत की है एंड यू मस्ट थिंक दैट यू वुड अचीव वेल ओके बाय अस